ग्वालियर रेंज के नवागत आईजी अरविंद कुमार सक्सेना ने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया। इस मौके पर डीआईजी, एसपी, एडिशनल एसपी सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। पदभार ग्रहण करने के बाद आईआईजी सक्सेना ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना और क्राइम कंट्रोल उनकी प्राथमिकता में शामिल है। इसके अलावा असामाजिक तत्वों की पहचान करके उन पर सतत निगरानी रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि शहर भर में वैसे तो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, लेकिन पुलिस ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित करेगी जहां सीसीटीवी कैमरे कम है या नहीं है, वहां भी जल्द से जल्द सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे ताकि असामाजिक तत्व अपनी गतिविधियों को अंजाम देने के बाद बच नहीं सके। देखिए, ग्वालियर बहुत महत्वपूर्ण शहर है मध्य प्रदेश का, और सबसे पहले मेरी प्राथमिकताएँ रहेंगी कि मैं जो पूरा यहाँ का क्राइम पैटर्न है, लॉ एंड ऑर्डर पैटर्न है, उसको अपने साथियों के साथ समझूँ और उसके बाद फिर जो है दिशा निर्देश निर्धारित करूँ। और मेरा ये प्रयास रहेगा कि जितने हीनियस ऑफेंसेस हैं, गंभीर अपराध हैं, विशेषकर जो ब्लाइंड मर्डर्स हैं, रॉबरी घटना होती है, लूट की, इसके अलावा जो किडनैपिंग वगैरह, और उसमें जो है हमारी पुलिस जो है त्वरित कार्रवाई करे। इसके अलावा जो कानून व्यवस्था है, ये भी एक मेरी प्राथमिकता में है, और मेरा ये प्रयास रहेगा कि जो कानून व्यवस्था की स्थितियाँ आती हैं उसमें तत्परता के साथ हमारे फोर्स का रिएक्शन रहे, टाइम पे जो है अगर घटनास्थल पे पहुँचते हैं तो किसी भी छोटी सी घटना को बनने नहीं दिया जाता है।